हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू स्टोरी इन मॉरल एजुकेशन। नेम ऑफ दिस स्टोरी इज ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब्राहम लिव विद हिज थ्री सन्स इन अ स्मॉल टाउन। अब्राहम है वो अपने तीन बेटों के साथ एक छोटे से टाउन में रहता है। He wanted his three sons to lead a virtuous life. और वो चाहता है कि जो तीनों बेटे हैं वो एक virtuous life आगे जो है एक virtuous life वो गुजारें। Virtuous life means a life that is full of moral thoughts. मतलब ऐसी life आप आगे आपकी life ऐसी हो जिसमें moral thoughts को आप याद रखें और सही रास्ता पर चलें। He asked them to cultivate good habits and get rid of bad habits. तो अब्राहम ने उनसे कहा कि अच्छी आदतें लाओ अपने अंदर और सारी बुरी आदतों को पीछे छोड़ दो। As he became old, he found that one by one they acquired bad habits. और जैसे जैसे अब्राहम ने देखा, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वो एक एक करके सारी ही बुरी आदतें उनमें आ रही हैं। वन डे अब्राहम टुक हिज सन इन टू द गार्डन। एक दिन अब्राहम अपने तीनों बेटों को लेकर गार्डन में गया। देयर वर प्लांट्स, बुशेस, श्रब्स एंड ट्रीज ऑल शेप्स एंड साइजेस। गार्डन में कुछ प्लांट्स थे, ट्रीज थी सभी शेप्स और साइजेस के। He asked his youngest son, uproot this seedling. और अब्राहम ने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा कि इस सीडलिंग को उखाड़ो। यानी कि एक छोटा सा पौधा है, एक छोटा बिल्कुल जो नया पौधा निकलता है, सीडलिंग बिल्कुल सीड है जो जिसमें से सिर्फ एक ही पत्ता या एक ही स्टेम निकली है, उस सीडलिंग को उखाड़ो। The son pulled out the seedling from the ground effortlessly and handed it over to his father. तो उस बेटे ने, सबसे छोटे वाले बेटे ने उस सीडलिंग को ग्राउंड से उखाड़ लिया बहुत ही आसानी से और अपने फादर को दे दिया, क्योंकि वो इतना छोटा सा था, अभी उसने जड़ें जो थी उसकी इतनी मजबूत नहीं थी रूट्स, और उसको उखाड़ना बहुत ही आसान था। अब्राहम नाउ कॉल्ड आउट हिज मिडिल सन नाउ यू ट्राई टू अप्रूट दिस सैपलिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो दूसरे नंबर वाला बेटा था, यानी कि जो मिडिल सन था, उसको बुलाया अब्राहम ने और उससे एक सैपलिंग उखाड़ने के लिए कहा ग्राउंड से। सैपलिंग मतलब जो पेड़, जो थोड़ा सा बड़ा यानी मीडियम हाइट का जो पौधा होता है उसको उखाड़ने के लिए बोला। द सेकेंड सन ट्राइड टू पुल आउट द यंग ट्री, फर्स्ट विद वन हैंड, देन विद बोथ हैंड्स, एंड आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट He pulled the sapling out of the ground. जब दूसरे वाले बेटे से कहा उस पौधे को उखाड़ने के लिए, तो उसे थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़े। पहले एक हाथ से ही सिर्फ उखाड़ने की कोशिश करी, नहीं हुआ, तो फिर उसने दोनों हाथों से उखाड़ा और फिर वो जो पेड़ है वो पूरा ग्राउंड से बाहर निकल आया। He also hurt himself a bit in doing so. और ऐसा करने में उसकी खुद को भी थोड़ी सी चोट आई। अब्राहम नाउ आस्क हिज एल्डेस्ट सन, सन कैन यू अप्रूट दिस ट्री फॉर मी। अब्राहम बोलता है अपने सबसे बड़े बेटे से, एल्डेस्ट सन से, कि क्या ये पेड़ तुम मेरे लिए उखाड़ सकते हो। द सन लुक्ड एट द ट्री एंड सेड। सन जो है, यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा है, वो ट्री की तरफ देखता है और कहता है, दिस ट्री इज फर्मली रूटेड इन द ग्राउंड, इट्स रूट आर स्ट्रॉन्ग, आई कैन नॉट पुल इट आउट इवन इफ आई ट्राई हार्ड। तो जो सबसे बड़ा बेटा है उसको अब्राहम ने सबसे बड़ा पेड़ उखाड़ने के लिए बोला। तो वो जो बेटा है वो कहता है, देखकर अपने फादर से बोलता है कि ये जो पेड़ है तो बहुत ही गहराई तक, इसकी जो जड़ें हैं वो ग्राउंड में बहुत अंदर तक हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खींच सकता बाहर, और बहुत ही, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी हार्ड, कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, मैं नहीं इसको उखाड़ पाऊँगा। Then Abraham said to his sons, My children, when a bad habit is still in growing stage and has not taken root in your heart, you will find it easy to pull it out. Abraham कहता है बेटों से, अपने तीनों बेटों से बोलता है कि अगर कोई
कोई हैबिट है और आपको वो हैबिट लग गई है, कोई बुरी आदत आपकी पड़ गई है, और अगर उसको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुई, मतलब कोई चीज़ जैसे कि सपोज आपको हैबिट पड़ गई है, मान लीजिए फ़ोन चलाने की, बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने की आदत पड़ गई है और अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 दिन से आप ज़्यादा ही फ़ोन चला रहे हैं, तो अगर आपको आपने उस हैबिट पर कंट्रोल कर लिया उन्हीं दिनों में, तो वो हैबिट जो है छूट जाएगी। लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, वो हैबिट जो है चलती रही बहुत कुछ दिन तक, फिर कुछ वीक्स तक, फिर कुछ मंथ्स तक, तो वो हैबिट आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा जड़े फैला लेगी और आप उससे कभी भी फ्री नहीं कर पाओगे खुद को। बट इफ़ इट बिकेम्स डीप रूटेड, यानी कि वही बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर उसने किसी भी बुरी आदत ने अगर अपनी जड़ें बना ली, गहराई तक वो आपके अंदर आ गई और आपको उसकी लत लग गई, यू विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ इट। तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल होगा उस बुरी आदत से अपना पीछा छुड़ाना। सो कल्टिवेट गुड हैबिट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। तो अपने अंदर अच्छी आदतें लाइए और बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। कीप इन माइंड, यानी मोरल है, वॉट यू सो शैल यू रीप। जो भी आप लगाएंगे वही आप काटेंगे। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो उन अच्छी हैबिट्स से ना सिर्फ आपको खुद को बेनिफिट मिलेगा, जो आपके लव्ड वंस हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे।